Just a moment. Okay. So in today's class, we will be dealing with the next topic, that is circles. सर्किल इज बेसिकली सर्किल होता क्या है पहले इसके बारे में थोड़ा सा जानने की कोशिश करते हैं। हालांकि हम लोगों ने सर्कल को पिछले साल भी पढ़ा था, we dealt with the circle in detail, और जो सर्कल हम लोगों ने 9th स्टैंडर्ड में पढ़ा था that was very tough. जो सर्कल हम लोग 10th स्टैंडर्ड में पढ़ेंगे that is very easy. काफी आसान सर्कल का पोर्शन है जो हम लोग 10th स्टैंडर्ड में पढ़ेंगे, बिकॉज 10th स्टैंडर्ड में सर्कल है ही नहीं. 10th स्टैंडर्ड इज बेसिकली इट इंक्लूड्स एरिया अंडर द सर्कल, दैट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक. लेकिन उससे पहले आपको सर्कल की कुछ चीजें पता होनी चाहिए, यहाँ पे नहीं पता होगी तो आप उस चैप्टर को आप नहीं कर पाओगे. तो हम लोग आज की क्लास में अपन बात करेंगे सर्किल्स. अब सर्किल होता क्या है, देखो यहाँ पे जैसा आप देख रहे हो कि ये कई सारे सर्कल्स हैं, कुछ छोटे कुछ बड़े कुछ कैसे कुछ कलर्ड कुछ ब्लैंक. तो सर्किल इज बेसिकली कलेक्शन ऑफ ऑल द पॉइंट्स विच आर एट ए फिक्स्ड डिस्टेंस फ्रॉम ए गिवन पॉइंट. क्या कहा मैंने, सर्किल इज कलेक्शन ऑफ ऑल द पॉइंट्स विच आर एट ए फिक्स्ड डिस्टेंस फ्रॉम ए गिवन पॉइंट. फॉर एग्जाम्पल ये देखो, ये जो ब्लू कलर में जो ब्लू कलर या इफ यू वांट यू कैन कॉल इट इंडिगो कलर ऑल्सो, इंडिगो कलर वाला जो सर्किल है, इस सर्किल की अपन बात करते हैं, ठीक है. इस सर्किल दिस सर्किल इज बेसिकली ए कलेक्शन ऑफ ऑल द पॉइंट्स विच आर एट ए फिक्स डिस्टेंस फ्रॉम दिस गिवन पॉइंट से ओ. फ्रॉम दिस गिवन पॉइंट ओ, कोई पॉइंट है मेरा ओ मान लो, कोई पॉइंट है यहां पे मान लो ओ. इस पॉइंट ओ से जितने भी पॉइंट जो कि मान लो किसी एक फिक्स डिस्टेंस पे से 5 सेंटीमीटर पे जितने भी पॉइंट्स होंगे, उन सभी के सभी पॉइंट्स के कलेक्शन को हम सर्किल बोलते हैं. किसी पॉइंट ओ से फिक्स डिस्टेंस पे से 5 सेंटीमीटर 3 सेंटीमीटर 2 सेंटीमीटर 1 सेंटीमीटर जितने भी पॉइंट्स होंगे, उन सभी पॉइंट के कलेक्शन को हम सर्किल बोलते हैं. सो दिस इज बेसिकली द डेफिनेशन ऑफ सर्किल. सर्किल इज ए कलेक्शन ऑफ ऑल द पॉइंट्स विच आर एट ए फिक्स्ड डिस्टेंस फ्रॉम ए गिवन पॉइंट, एंड दैट गिवन पॉइंट इज कॉल्ड सेंटर ऑफ द सर्किल. दैट गिवन पॉइंट इज कॉल्ड सेंटर ऑफ द सर्किल, एंड द फिक्स्ड डिस्टेंस इज कॉल्ड रेडियस ऑफ द सर्किल. वो जो गिवन पॉइंट है उसको हम सेंटर ऑफ द सर्किल कहेंगे, और वो जो फिक्स्ड डिस्टेंस है उसको अपन रेडियस ऑफ द सर्किल कहेंगे, और इसको अपन नॉर्मली रिप्रेजेंट करते हैं सी ओ कॉमा आर, वेयर दिस ओ इज सेंटर एंड दिस आर इज द रेडियस. ये है सर्किल का तरीका, जो कि हम रिप्रेजेंट करने का तरीका एंड सर्किल की डेफिनेशन, जिसके बिना इस टॉपिक की स्टार्ट मुश्किल थी. सो अब हम बात करेंगे सर्किल में सीकेंट और टेंजेंट की. अब हम बात करते हैं सीकेंट और टेंजेंट की. चल देखो देखो होता क्या है बेटा, इस तरीके से चलो देखो होता क्या है. मान लो ये एक सर्किल है, ठीक है, दिस इज अ सर्किल. मानना क्या है, दिस इज अ सर्किल एंड दिस इज अ स्ट्रेट लाइन AB. अब ये जो स्ट्रेट लाइन AB है और ये जो सर्किल है, ये जो स्ट्रेट लाइन AB है और ये जो सर्किल है, देयर आर ओनली टू कंडीशंस पॉसिबल. बेसिकली देयर आर थ्री कंडीशंस पॉसिबल. पहली कंडीशन ये कि ये जो सर्किल है और ये जो स्ट्रेट लाइन है, ये दोनों अलग अलग है, दे आर नॉट इंटरसेक्टिंग, ठीक है. सपोज करो दिस इज अ स्ट्रेट लाइन, और इसको इसको थोड़ी देर के लिए मान लो मेरे हाथ को, मान लो इसको सर्किल. सो दिस स्ट्रेट लाइन, ये जो फोन का मेरा एज है, दिस इज अ स्ट्रेट लाइन एंड दिस इज अ सर्किल. सो देयर आर टू थ्री कंडीशंस पॉसिबल. पहली कंडीशन ये है कि ये सर्किल और ये स्ट्रेट लाइन दोनों अलग अलग रहे, देयर इज नो लिंक बिटवीन दम.
सेकेंड कंडीशन ये है कि जो स्ट्रेट लाइन है ये सर्किल को दो पॉइंट्स पे कट करे, दो पॉइंट से ज्यादा पॉइंट्स पे कट नहीं कर सकता, इट विल ओनली कट द सर्किल एट टू पॉइंट्स। फिगर नंबर टू देखो यहाँ पे, ये जो सर्किल है और ये जो स्ट्रेट लाइन है, दिस स्ट्रेट लाइन इज कटिंग द सर्किल एट टू पॉइंट्स। नेक्स्ट थिंग इज, ये जो सर्किल है और ये जो स्ट्रेट लाइन है, दिस स्ट्रेट लाइन इज कटिंग द सर्किल एट ओनली वन पॉइंट। This straight line is cutting the circle at only one point. So basically, there are three possible conditions. पहली condition ये है कि this straight line is not cutting the circle. The next condition is this straight line is cutting the circle at two points. And the third condition is this straight line is meeting the circle at only one point. तो पहली condition को तो अपन कुछ कोई special नाम नहीं है उसका। Second condition को जहाँ पे the straight line is cutting the circle at two points, उसको हम बोलते हैं secant. So secant is a straight line that meets the circle, that cuts the circle at two points. If a straight line cuts the circle or meets the circle at two points, then it is called a secant. Tangent is if a straight line meets the circle at only one point. अगर कोई straight line किसी circle पे सिर्फ एक ही point पे मिलता है, then it is called a tangent. So basically, जब एक straight line और एक circle की हम बात करेंगे, तो there are three cases possible. पहला case वो case होता है जब वो स्ट्रेट लाइन उस सर्किल से मीट ही नहीं करेगा, तो वी विल फॉरगेट इट। देन द नेक्स्ट केस इज सेकंड। सेकंड इज ए लाइन, सेकंड इज ए लाइन विच इंटरसेक्ट्स द सर्किल एट टू डिस्टिंक्ट पॉइंट। सेकंड एक ऐसा लाइन होता है, सेकंड इज ए लाइन दैट इंटरसेक्ट्स द सर्किल एट टू डिस्टिंक्ट पॉइंट्स। नेक्स्ट इज टेंजेंट। Tangent is a line which meets the circle at only one point, and the point where the line meets the circle is called the point of contact. और किसी भी एक पॉइंट से किसी भी सर्किल पे सिर्फ एक ही टेंजेंट पास हो सकता है। There is only one tangent passing through a point lying on the circle. ठीक है, किसी भी गिवन पॉइंट से किसी भी सर्किल पे सिर्फ एक ही टेंजेंट पास हो सकता है। See, chord is just this one. Okay, chord के बारे में there is no concept that chord is a straight line that intersects the circle at two point. Chord is just a part of the circle. ये सर्किल हो गया, इसका ये chord हो गया, बस इसको आप extend करोगे। Chord is a line segment. Chord is a line segment. वही मैं बोल रहा हूँ। Chord के बारे में there is nothing that if you extend it or something like that. There is no concept of extension of chord or anything. Chord is just a part of a circle. If you try to understand in the layman's language, chord is just a part of the circle. And secant is a line that cuts the circle at two points. ठीक है? The point that you have written, that tangent is always perpendicular to the radius and everything, these are the properties of tangent that they will be doing subsequently. I know what are the properties, so kindly, it would be better if I remain as the teacher. Thank you. Just a minute, I'm just coming up. If I use the word locus, that is why I have written, I have used the word collection of the points. Locus is nothing but collection, right? So now I have to prove the first theorem. Now again, these theorems are important. These theorems can be asked in your exam directly. They can be asked directly in your exam. The first theorem is, a tangent to a circle is perpendicular to the radius through the point of contact. यही आपने बोला था, एंड दिस इज द स्टेटमेंट दैट यू आर सपोज टू प्रूव हियर। अ टेंजेंट इज अ सर्किल, अ टेंजेंट टू अ सर्किल इज परपेंडिकुलर टू द रेडियस थ्रू द पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट। सो दिस इज द स्टेटमेंट एंड यू हैव टू प्रूव दिस स्टेटमेंट। चलो ट्राई करो, यू गाइस हैव जस्ट टू मिनट्स टू प्रूव यू गाइस हैव जस्ट टू मिनट्स आई विल जस्ट
sit silently, then I will tell you how you will prove this. Okay? Just apply your head. क्या कर सकते हैं, क्या नहीं कर सकते हैं, कुछ तो सोचो, कुछ तो तरीका होगा. जब स्टेटमेंट है, थ्योरम है, जैसे कुछ ना कुछ तो प्रूफ होगा. सोचो, थोड़ा ब्रेन स्टॉर्मिंग करो, ताकि जब आपको मैं प्रूफ बताऊंगा तो इट विल गेट फिट इन योर ब्रेन ऑटोमेटिकली. चलो, आई जस्ट पॉज द सिस्टम फॉर 2 मिनट्स. टाइम स्टार्ट नाउ. देखो, जब हम लोग छोटे थे, जब हम लोग 8th स्टैंडर्ड में थे, तो आप लोगों ने एक थ्योरम पढ़ी थी. क्या थ्योरम पढ़ी थी सर? थ्योरम ये पढ़ी थी कि किसी भी पॉइंट O से किसी भी लाइन L पे मैं n नंबर ऑफ वेज, n नंबर ऑफ लाइंस ड्रॉ कर सकता हूं. ठीक है. अब इन सारी लाइनों में से वो वाली लाइन शॉर्टेस्ट होगी विच विल बी परपेंडिकुलर. वो वाला डिस्टेंस शॉर्टेस्ट होगा विच इज परपेंडिकुलर टू द गिवन लाइन. तो अभी आई विल यूज दिस फैक्ट टू प्रूव दिस थ्योरम. क्या प्रूव करूंगा मैं? कैसे प्रूव करूंगा सर? देखो, मैं ऐसे प्रूव करूंगा कि मैं ये प्रूव करूंगा कि ये वाली जो डिस्टेंस ओपी है ना, दिस ओपी is shortest distance between O and AB. This OP is the shortest distance between O and AB. This I will prove. How I will prove that you have to see. देखो ऐसे कैसे करेंगे हम. क्या करेंगे हम? एक पॉइंट Q लेंगे. वी विल टेक ए पॉइंट Q दैट इज डिफरेंट फ्रॉम पॉइंट P ऑन दिस लाइन AB. ठीक है, ऑन दिस लाइन AB, या यू कैन कॉल इट एज लाइन सेगमेंट AB. इट वोंट मेक एनी डिफरेंस. यू कैन से ऑन द लाइन सेगमेंट AB. अब आप क्या करोगे? O से Q को ज्वाइन कर दोगे. ठीक है. नाउ सी, OQ इज इक्वल टू OR प्लस आर क्यू. ठीक है, बट ओ आर इज इक्वल टू ओपी. क्यों है सर ओ आर ओपी के? बिकॉज दीज आर द रेडियस. देयरफॉर आई विल हैव ओ क्यू इज इक्वल टू, देयरफॉर आई विल हैव ओ क्यू इज इक्वल टू ओपी प्लस आर क्यू. ओ क्यू इज इक्वल टू ओपी प्लस आर क्यू. That means OQ is greater than OP. Now, since I have taken a point Q which can be very close to this Q, जो कि यहाँ भी हो सकता है, यहाँ भी हो सकता है, कहीं भी हो सकता है, but in all the cases there will exist a R such that this OQ will be greater than this OP. So I can say that this distance is the shortest distance. And since this distance is the shortest distance in a point, between a point and a straight line, therefore this angle will be equal to 90 degree. This is how you are supposed to solve this proof. This is how you are supposed to do this proof. अब ये तो हो गया आपका method समझने का. अब हम बात करते हैं कि जब exam में ये आएगा तब आप लिखोगे कैसे. अब देखो लिखेंगे कैसे. सबसे पहले आपको लिखना है गिवन. गिवन में क्या लिखना है? ए सर्किल सी ओ कॉमा आर विच इज द वे ऑफ रिप्रेजेंटेशन ऑफ सर्किल एंड ए टेंजेंट ए बी एट पॉइंट पी. उसके बाद आप लिखोगे टू प्रूव. क्या प्रूव करना है सर? ओपी इज परपेंडिकुलर टू ए बी. फिर आप क्या करोगे? कंस्ट्रक्शन. टेक ए पॉइंट क्यू अदर देन पी ऑन टेंजेंट ए बी, ज्वाइन ओ क्यू. Suppose OQ meets the circle at R. इस तरीके से आप ऐसे करके लिखो. Now what you will say? Among all the now these sentences I am reading because you are supposed to write like this in the exam. समझना एक दूसरी बात है. लिखने के लिए आपको हूबहू वही चीजें लिखनी होंगी जो आपके बुक में लिखी होगी. Among all the line segments joining the point O to a point on AB, the shortest one is the perpendicular to AB. So to prove that OP is perpendicular to AB, it is sufficient to prove that OP is shorter than any other line segment joining O to any point AB.
Now clearly this OP is equal to OR. Why? Because these are the radius. So this OQ will be equal to OR plus RQ, or this OQ will be greater than OR, or you can say this OQ will be greater than OP. Thus you can say that OP is shorter than any other line segment joining O to any point on AB, hence OP is perpendicular to. This is the method of writing this proof. So you are supposed to write the proof like this. Agar aap is tarike se likhoge to your examiner will give you 5 out of 5. Aur agar kahin pe bhi apna dimag lagaya, depending upon how much you have applied your head or how much you have diverted from the SOP, he will deduct your marks. Because the examiners don't have time to see what you have done. उनके दिमाग में एक पर्टिकुलर फॉर्मेट बना रहता है, उस फॉर्मेट में उनको आंसर चाहिए, उनको गिवन चाहिए, उनको टू प्रूफ चाहिए, उनको कंस्ट्रक्शन चाहिए, उनको फिगर चाहिए, उसके बाद इतना उन्होंने कर दिया, उसके बाद उनको प्रूफ चाहिए, 2-3 लाइनें उनको याद रहती, ये याद रहता, ये याद रहता, ये याद रहता है, बस ओके इतना लिख दिया, मार्क्स मिल गया, खत्म, आगे बढ़ो। चलो नेक्स्ट, अब हम बात करते हैं इस थ्योरम के प्रूफ कन्वर्स की। कन्वर्स क्या होता है? इफ 1 + 1 = 2, देन आई कैन से 2 is a sum of 2 numbers which are 1 and 1. दिस इज द कन्वर्स। कन्वर्स मतलब उस थ्योरम का उल्टा। तो कन्वर्स की स्टेटमेंट क्या होती है? ए लाइन ड्रॉन थ्रू द एंड ऑफ ए रेडियस एंड परपेंडिकुलर टू इट इज द टेंजेंट ऑफ ए सर्किल। किसी सर्किल के रेडियस से अगर कोई लाइन ड्रॉ की गई है जो कि उस रेडियस के परपेंडिकुलर है, तो उसको हम लोग बोलते हैं कि वो एक टेंजेंट है। अब टेंजेंट प्रूफ करने का जो तरीका है वो समझो। हमको ये प्रूफ करना है कि वी हैव टू प्रूव दैट ए बी इज ए टेंजेंट टू द सर्किल। We are here to prove that AB is a tangent to a circle. तो हमको यहाँ पे ये प्रूफ करना है कि इस P पॉइंट के अलावा जितने भी दूसरे पॉइंट होंगे वो सारे के सारे पॉइंट इस सर्किल पे लाई नहीं करेंगे। हमको क्वेश्चन कैसे पूछता है? हमसे क्वेश्चन ये पूछेगा कि प्रूव दैट दिस लाइन इज टेंजेंट टू द सर्किल। अब वहां पे आप 90 डिग्री का एंगल बना के नहीं मेजर करने जा रहे हो, आपको ये प्रूव करना पड़ेगा। टेंजेंट की डेफिनेशन हमने क्या पढ़ी थी? देखो बहुत कंफ्यूजन होता है बेटा कभी कभी। अगर आपको मान लो किसी ने ये बोला कि यू हैव टू प्रूव दैट दिस ए बी इज टेंजेंट टू द सर्किल, तो आप ये बोल दोगे कि सर 90 डिग्री एंगल हो गया तो टेंजेंट हो जाना चाहिए। नो, ऐसा नहीं होगा। ऐसा इसलिए नहीं होगा क्योंकि जब हमने टेंजेंट की डेफिनेशन पढ़ी थी पहले स्लाइड में, याद करो टेंजेंट की डेफिनेशन हमने क्या पढ़ी थी। टेंजेंट की डेफिनेशन हमने ये पढ़ी थी कि ए लाइन दैट टचेस द सर्किल एट ओनली वन पॉइंट। कोई भी ऐसी लाइन जो सर्किल को सिर्फ एक पॉइंट पे टच करती हो उसको हम टेंजेंट बोलते हैं। सो इन ऑर्डर टू प्रूव दैट इट इज अ टेंजेंट टू द सर्किल, आई हैव टू प्रूव दैट इट इज टचिंग द सर्किल एट ओनली वन पॉइंट। दैट इज द सिंपल थिंग। अब कैसे ये हम प्रूव करेंगे कि इट इज टचिंग द सर्किल एट ओनली वन पॉइंट? नाउ दैट इज अ ट्रिक दैट आई हैव टू अप्लाई। उसके लिए आई हैव टू अप्लाई माई हेड। कैसे अप्लाई करेंगे सर? देखो सर क्या करेंगे, वही काम जो पिछले में किया था सेम काम हम यहाँ करेंगे। हम कोई पॉइंट आर ले लेंगे इस सर के इस लाइन पे, अदर देन पी। ठीक है, अब मुझे ये पता है कि एंगल ओ पी बी और OPR is equal to 90 degree. That means OP is the shortest distance. अब जब OP मेरा सर shortest distance हो गया है, तो इससे मेरे को क्या conclusion मिलता है? इससे मेरे को ये conclusion मिलेगा। And देखो ये जो OR है, this is nothing but OP
plus QR. This OR is nothing but OP plus QR. अब इसका मतलब ये हुआ सर कि P के अलावा जितने भी पॉइंट्स होंगे ना, इसका मतलब ये हुआ कि P के अलावा और जितने भी पॉइंट्स होंगे वो सारे के सारे पॉइंट्स सर्किल के बाहर लाई कर रहे हैं. वो सारे के सारे पॉइंट्स सर्किल के बाहर लाई कर रहे हैं. That means the circle, the line is touching the circle at only one point. Line है इस circle पे सिर्फ एक ही point पे cut कर रहा है, एक ही point पे meet कर रहा है. इसके अलावा और कहीं ये line meet नहीं कर रही है. So this was the converse of this theorem. Now I will wait for your queries. If you guys have any query, please ask me further exchange. ठीक है. नाउ वी विल टॉक अबाउट किसी भी सर्किल पे कितने नंबर ऑफ टेंजेंट्स हो सकते हैं. किसी एक पॉइंट से किसी सर्किल पे कितने नंबर ऑफ टेंजेंट्स हो सकते हैं. देखो, एक टेंजेंट जो होता है वो किसी भी सर्किल को सिर्फ एक पॉइंट पे कट करता है. ये तो बात हम सबको मालूम है. तो अब डिफरेंट केसेस हो सकते हैं कि वो पॉइंट कहाँ लाई कर रहा है. अगर वो पॉइंट सर्किल के अंदर लाई करता है, इन दैट केस देयर विल बी नो टेंजेंट. अगर वो पॉइंट सर्किल के अंदर लाई करता है तो देयर विल बी नो टेंजेंट. अगर वो पॉइंट सर्किल के ऊपर लाई कर रहा है, इन दैट केस देयर विल बी ओनली वन टेंजेंट टू द सर्किल थ्रू दिस पॉइंट. अगर वो पॉइंट सर्किल के ऊपर लाई कर रहा है, इन दैट केस देयर विल बी ओनली वन टेंजेंट टू द सर्किल थ्रू दिस पॉइंट. अगर वो पॉइंट सर्किल से दूर कहीं लाई कर रहा है, इन दैट केस देयर विल बी टू टेंजेंट्स टू द सर्किल फ्रॉम दैट पॉइंट एज शोन इन दिस फिगर नंबर 3. नाउ दिस कंडीशन, दिस केस इज वेरी इंपॉर्टेंट. This case is very important, and this case is the main point of our discussion of this topic. This case is our, we will discuss this case in detail now. Chalo. Now your statement is, agar koi point outside hai, सर्किल पे, और अगर उसके बाद आपने सर्किल पे, ये तो हमें पता है कि हम वहां से दो टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं. एक टेंजेंट हो गया EQ और दूसरा टेंजेंट हो गया AP. कोई पॉइंट है जो कि सर्किल से दूर कहीं लाई कर रहा है. इस पॉइंट से हम सर्किल पे दो टेंजेंट्स ड्रॉ कर सकते हैं. वन पॉइंट इज AQ एंड द अदर पॉइंट इज AP. नाउ आई हैव टू प्रूव दैट दिस AP इज इक्वल टू AQ. कैसे प्रूव करेंगे सर? सबसे पहले प्रूफ समझ लेते हैं, उसके बाद आगे की बातें देखेंगे. लिखना कैसे है, दैट आई विल टीच यू लेटर ऑन. पहले प्रूफ समझो. हमें ये पता है सर कि जो टेंजेंट होता है वो रेडियस के परपेंडिकुलर होता है. अभी अपन ने पढ़ा भी था थोड़ी देर पहले. तो आई कैन से डैट एंगल ओ पी क्यू इज इक्वल टू एंगल ओ ए क्यू विल बी इक्वल टू 90 degrees. ये बात हमें पता है. विल चेंज द कलर बिकॉज इट्स नॉट विजिबल. एंगल ओ पी क्यू इज इक्वल टू एडजस्ट ओके. हमें ये पता है सर कि एंगल ओ पी ए इज इक्वल टू एंगल ओ क्यू ए विच इज इक्वल टू 90 degrees. ये बात हमें पता है, ये बात हमने सीखी हुई है. ठीक है. दूसरी चीज सर हमें जो पता है इन दोनों ट्रायंगल्स में से, वो सर हमें ये पता है कि ओ क्यू is equal to OP, which is equal to radius. यह हमें पता है, यह हमें दिया हुआ है. अब देखो बेटा, ध्यान से सुनो. अब दो चीजें मिल गई. अब एक तीसरी कंडीशन और मिल जाए तो हम कुछ congruency या similarity कुछ लगाएंगे, फिर देखते क्या होता है. एक कंडीशन और मिल जाए, मिल गई.
एक कंडीशन और मिल गई मेरे को, क्या मिली सर बताओ, हमें भी बताओ। तो द कंडीशन जो हमें मिली है वो ये मिली है, ओ ए इज इक्वल टू ए ओ, क्योंकि इन दोनों ट्राइंगल्स की अगर हम बात करें तो दिस ए ओ इज द कॉमन साइड, दिस ए ओ इज द कॉमन साइड। अब यहाँ पे बात क्या आती है, अगर मैं इन दोनों ट्राइंगल्स की बात करता हूं, इन ट्राइंगल ओ क्यू ए एंड ट्राइंगल ओ पी ए, अगर मैं इन दोनों ट्राइंगल्स की बात करता हूं तो सबसे पहली चीज है ओ ए इज इक्वल टू ओ ए, एंगल ओ क्यू ए इज इक्वल टू एंगल ओ पी ए इज इक्वल टू 90 डिग्री दूसरी चीज, और तीसरी चीज ये है कि ओ ए, तीसरी चीज क्या थी, ओ पी इज इक्वल टू ओ क्यू। सो फ्रॉम हियर what we can say that these two triangles are similar, congruent. Why congruent, sir? By RHS congruency condition. RHS congruency condition क्या थी? इनको याद नहीं है, उनको याद दिला दूं मैं। RHS congruency condition थी right angle hypotenuse and one of the side. Same चीज यहाँ पे है, one of the side right angle and hypotenuse. So one of the side right angle and hypotenuse of one triangle is equal to one of the side right angle and hypotenuse of another triangle. So I can say that these two triangles are congruent. Now when these two triangles are congruent, so by CPCT, I can say that AQ is equal to AP. जब ऐसा हो गया, जब CPCT से AQ is equal to AP आ गया, यही तो हमें प्रूव करना था। This is what we were required to prove. Length of two tangents drawn from an external point to a circle is equal. So AQ is equal to AP. This is how we were supposed to solve this proof. क्या बताना है मेरे को, अभी अभी हमने प्रूफ किया था कि दिस ट्रायंगल ए ओ क्यू इज सिमिलर टू ट्रायंगल ए ओ पी, ठीक है, दिस ट्रायंगल ए ओ क्यू इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ए ओ पी। अब एक चीज हमने यहाँ पे और सीखी है बेटा, वो हमने क्या सीखा है कि सीपीसीटी से एक रिलेशन तो और आ गया, दो रिलेशन और आएंगे। कौन कौन से रिलेशन आएंगे बेटा, ये एंगल अगर एंगल वन है और ये वाला एंगल अगर टू है, तो एंगल वन विल बी इक्वल टू एंगल टू। फर्दर एक रिलेशन और आएगा, अगर ये वाला एंगल थ्री है और ये वाला एंगल फोर है, तो एंगल थ्री विल बी इक्वल टू एंगल फोर। इस रिलेशन को फिलहाल आप बाय सिंपलिसिटी याद कर लो, कभी जब फ्यूचर में जरूरत पड़ेगी, कोई ऐसा क्वेश्चन आएगा, देन वी विल सी कि क्या होगा क्या नहीं होगा, देखते हैं। What you want to ask, I am unable to understand. 1 second. Just a minute, huh?